see i mean this so see what i can do with this but i have to start <laughs> a little so. but i have to jump and i drip on that hey everyone welcome back once again today in this video i'll be sharing with you all some of the parenting tips and some emotional and social development of 4 to 5 year old child इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं जैसे कि आपने देखा वीडियो में हाउ मिगी इज़ एक्सप्रेसिंग दे लाइक टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड दे लाइक टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल्सो दे लाइक टू शो ऑल दो स्टफ टू देयर फैमिली मेम्बर्स योर फोर टू फाइव ईयर ओल्ड बेबी विल अंडरस्टैंड एंड ओबे रूल्स बट 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 दे विल स्टिल बी डिमांडिंग एंड अनकॉर्पोरेटिव एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम देल एक्सप्रेस देर एंग रेदर दैन फिजिकली और ऐसे टाइम में जब बच्चा हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता या तो हम उसे मारते हैं या उसे ज़ोर जोर से चिल्लाते हैं जैसे कि आप एग्जांपल ले लो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है और आप चाहते हो कि वो टी ना देखें तो उस वक्त आप क्या करते हो हम बस बच्चे को चिल्ला देते हैं और कहते हैं टी बंद करो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम क्योंकि जिस वक्त बच्चा टीवी देख रहा है उसका फुल फोकस टीवी में है और आपकी बात उसे सुनाई नहीं देगी ना ही आपका समझाना तो ऐसे टाइम में हम प्रॉब्लम पे फोकस करें इससे बेटर ये है कि हम बच्चे के इमोशंस पे फोकस करें एंड शो कंसर्न टूअ इट तो हमें अपने बच्चे के लिए कंसर्न शो करनी है और उसे समझाना है उस वक्त जब वो फ्री हो और रात का वक्त इज़ द बेस्ट आपको पता है आप कितना टीवी देख रहे थे इतना टीवी देखना अच्छी बात नहीं होती क्यूँ पता है क्योंकि अगर आप ज्यादा टीवी देखोगे तो आप खेलोगे कम आप खेलोगे कम तो आप वीक हो जाओगे आपकी बॉडी वीक हो जाएगी बिकॉज इट वी फिजिकली एक्टिव मच मैं चाहती हूँ मेरे बेबी एक्टिव रहे ना तो ज्यादा टीवी नहीं देखना बेबी तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आपसे कहूँ कि प्लीज टीवी बंद कर दो तो मम्मी की बात सुन लेना तो इस तरह से जब आप बच्चे को एक्सप्लेन करके समझाओगे तो एक से दो बार जब आप अपने बच्चे को समझाओगे तो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी एंड दे टू यू ठीक इसी तरह अगर आपका बच्चा तीत ब्रश नहीं करता तो आप क्या करते हो आप उसे चिल्लाते हो और बोलते हो ब्रश करो तो इस वक्त भी इंस्टेड ऑफ़ एंड फोर्सिंग देम आप समझाएं बच्चे को कि अगर आप तीत ब्रश नहीं करोगे तो आपका तीत ठीक हो जाएगा फिर दांत में बहुत पेन होगा ना फिर आप अपनी पसंद की चीज़ें कैसे खाओगे एंड देन विल बिकम वीक टू इस तरह से अगर हम बच्चों को हर चीज़ में समझाते हैं ना इंस्टेड ऑफ़ येलिंग तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा रेदर देन शाउटिंग दैम well now let's move on to social skill by this age they get the difference between making believe and reality games is umar mein bachcho ko pretend play game khelna bahut acha lagta hai they also like playing puppet shows तो इस उम्र में आप बच्चों को पपिट शोज के थ्रू या स्टोरी टेलिंग के थ्रू कई सारी गुड हैबिट इनकलकेट कर सकते हो they enjoys playing with other children's and pleasing their friends they also shares and takes turn at least one of the time and understand rules of games well if you want to know in detail physical mental and other milestones of 4 to 5 year old baby you can check out the video in the description box below and also if you're finding the video useful till now then please do like it he also listens to my instruction when I ask him to put on and off the shoes. At this age they also understand their routine kiss time pe une school jana hai, kis time pe khana khana hai and they follow it very well. At this age they will also help you in small work like some kitchen stuffs or picking up the things. Well that's it for today if you want to know such more parenting tips and growth and development of my Mickey baby then do subscribe the channel with the bell button hit see you in next video